और मरहूम का छोटा भाई सैयद समीर वाजा नुमान की श्रीरामनगर में लड़ाई हुई थी छोटे भाई के साथ, तो उनके लड़े हो गए दोनों मान लिए। उसके बाद फारूक नामी शख्स का बड़ा भाई जिलानी है, रोडी शटर है वो, इससे पहले छोटा भाई है, इससे पहले भी मर्डर केस में जाके आए हुए भी है और गन रहती है उसके साथ। तो क्या करें ना, 15-20 जने पूरे हमला करे मुबारक होटल का, फुल मारे, वीडियोस भी है, ऑटो में बिठा लेके लेके जा रहे थे। तुम वर्रा तो भी पूरे शटवट फाड़ के पूरे मिलके मारे ना, मिलके मारे बाद बोरावंडा पीएस को गए, पीएस को गए बाद ये क्या है वो एमएलसी, एमएलसी लेने भिजाए दोनों को, यहाँ से उन्ना प्लान कर लेके पूरे वहां से बिठा लेके लेके गए। उस दिन की बात है, हाँ उस दिन की बात है, गांधी हॉस्पिटल को भिजाए, इतना पूरे प्री प्लान कर लेके कार में 2-3 दारा ले लेके बिठा लेके ले ले गए माधापुर में, ऐसा यहाँ मारे नरसापुर पे, वहाँ पे डाल दिए गए, वो कर दिए। वहाँ पे इनका एरिया है कहते जो जिलानी है ना एवन रोडी शटर है उन्होंने उनका है, और ये जो फारूक नामी शख्स है जाके सरेंडर हुआ, मगर वो नहीं है कातिल, मेन जिलानी है, जिलानी है मेन, जिलानी उमर फारूक, चार पांच जने है, कोई नहीं करता भाई। कुछ नहीं था, झगड़ा ऐसी गालियां देते थे बीच में, कुछ लेन वेन देन कुछ नहीं, झगड़े की वजह क्या है, ऐसी लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे, ये वो गालियां देते थे। क्या काम करते थे आपके भी? स्विगी जोमेटो कर रहे थे वो रोडी शटर आया ना। फ्रेंडशिप कैसा थी उनकी? फ्रेंडशिप नहीं, वहाँ पे थे, बहस हुई, लड़ लिए, गालियाँ दे लिए, मार लिए, मेरा भाई मारे, उन्होंने भी मारे, फिर बाद में इनके भाइयों को बुलाए, पूरे मिलके मारे इनको। ऐसा जो खजीर है, इससे पहले भी वो लोग मर्डर्स करे हुए है, रोडी से है, नहीं आते बोल के बोले तो भी घर पे आके लेके जाते थे, ये लोग क्या करे वहां से हट के आके टोली चौकी में रह गए, उसके बावजूद उन लोगों को जो है ना इश्तियाल पैदा करके लेके जाना, लड़ाई झगड़ा करना, कॉम्प्रोमाइजा करना, नक्को बोलने के बावजूद आके घर पे से लेके गए। बच्चे को लेके कहाँ पर गए और कहाँ पे कत्ल हुआ है? लेके कहाँ गए? ये नरसापुर जंगल है ना, फॉरेस्ट, वहाँ पर मार के डाले, वहाँ कत्ता भी मिला करते थे लोगों को जो मारे सो, और ये एक दो जनों का काम नहीं है, चार पांच जनों का काम है। तो एक जना उसके अंदर मैं मारो बोल के सिलेंडर हुए, फारूक जिलानी और उमर, क्या और भी लोग है, तो एक जने मारे सो नहीं है, रिवॉल्वर भी रहता, इससे पहले भी उन्हें मटरा करे हुआ है, रोडी शटर है, हमारे को इंसाफ होना, बच्चे का कुछ भी नहीं है, ऐसा मार दिए, बोलो आप मेरी मेरा बच्चे की उम्र क्या थी? 26, 26 साल। तो ये बचपन से दोस्ती है या अभी अभी दोस्ती? नहीं नहीं, बचपन से कुछ भी नहीं है, अभी अभी थोड़े दिन से शुरू हुआ ये। तो होटल में जो लड़ाई हुई बोल रहे आप लोग? होटल में नहीं, होटल के बाहर रोड पे जो मुबारक होटल का नहीं, कैमरे है, आपको यहाँ जो पुलिस स्टेशन है बोरावंडे का, वहाँ भी कैमरे है, आप पूरा चेक करे तो कौन क्या करा आपको मालूम होता क्या। और एक बात, फिर ये लोग ऑटो में या कार में कुछ जहाँ लेके गए वो तुम्हारे नरसापुर, हाँ वहाँ पर जो मार के डाले, एक आदमी का काम तो नहीं है, अभी मैं 2-3 जनों के नामा बोला ना, ये पूरे उसमें इन्वॉल्व है। इसकी इतला आपको कैसे मिली? इसके इतला हमारे दोस्तों को ही दिया, पुलिस वालों ने भी नंबर नहीं था, तो दोस्तों से ऐसा मालूम हुआ, फिर ऐसा मालूम होने के बाद फिर वो पुलिस वाले समझो बोरा मंडे वालों को कुछ जब हुआ बाद में मालूम हुआ, रात में हुआ वो, हमारे को 11-12 बजे मालूम हुआ, सुबह में वहाँ से हम, अब हर एक आदमी तो घर के बाहर निकले हुआ रहा था, वहाँ पहुँचे पहुँचे तक वहाँ रूम मैची रूम बंद हो गया, बहरहाल सुबह लिखाई पढ़ाई जो भी हो करे, 12-1 बजे तक हम वहीं थे। किस चीज से मारे को गया? वो कत्ता है वो मार के कत्ता भी वहीं डाले हुआ है। हाँ तो मैं वो एस आई साहब को बोला, एस के लाल मदार साहब है CI, तो मैं बोला देखो साहब ये एक जनों का काम नहीं है, बोले तो एक जना तो सिलेंडर हुआ जी, ये इन्हें मारा बोल के, अब ये लोगों का तो नहीं लिख सकते बोले, मगर ये 4-5 जने हैं उसमें, एक आदमी का तो काम नहीं है, और इन्हों ऑटो में लेके गए बोल के सुना, मैं कार में लेके गए सुना, पूरा वो लोग CC कैमरों से चेक करके हम जो भी हो उसको अच्छी से अच्छी सजा दिलाएंगे। फिर एक अब देखो मेरे बच्चे को करे उन्होंने, किसी और को करे तो क्या है बोलो आप, हाँ रोडी शटर का क्या भरोसा,
है क्या नहीं बोलो? यहाँ से नरसापुर लेके जाके करना बोले तो कितनी बड़ी बात है, बात कुछ भी नहीं है। फिर देखे तो दोस्त आए यहाँ बोलते रोड शटर जरी सी बात के ऊपर मर्डर कर दिया ना 50 तक में। अब देखो फसल साहब जो नीलाए हैं बोल रहे हैं उन्होंने क्या है जी तब बेकरी फाड़े यहाँ मारे और माची रूम में देखा तो ये पूरा निकल गया, पूरा वीडियो है वो भी है। यहाँ मारे उंगली को मारे सर को मारे यहाँ मारे। पुलिस से क्या मुतालबा है? पुलिस से क्या है, जो भी करे इंसाफ होना और उनको खड़ी से खड़ी सजा होना। दो दिन पहले उमा तुम्हारे कौन सा मुबारक होटल कने लड़ाई हुई, फिर वहाँ से दो जनों को मारम पीटी हुई, इनको शर्ट फाड़ दिए थे, मारम पीटी मारा लगे, फिर उनको दोनों को ले गए यहाँ पीएस को आए, फिर पीएस से पीएस वाले क्या बोलते सुमा ये लोगों को हॉस्पिटल को भेजे अलग अलग, फिर वहाँ से हॉस्पिटल से वो लोग ये जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते बोल के क्या है कि ये लोग ऑटो में लेके गए। उमर और फारूक जिलानी और भी लोग हैं तो लोगों को खड़ी से खड़ी सजा होना, हमारे को इंसाफ होना हा? और दुनिया के उसको जख्मा है एक जगह बोल के नहीं 25 जगह है चाकों के। क्या क्या नाम था बच्चे? सैयद नुमान है, मेरा नाम सैयद महमूद है, मैं वालिद हूँ उनका। एरिया वहाँ से छोड़ के सुपगुड़े में रहते थे कार्मिका नगर, अब यहाँ रह रहे टोली चौक। अच्छा हुआ क्या? तो वही लड़ाई हुई तो शुरू, क्या लड़ाई हुई नहीं मालूम, अपन तो यहाँ है, घर को आके बुला के भी लेके जाते थे करते थे, उन्हें भी जाके और तैरते थे। तो ये मसले है हमारे घर पर हुई है ये लड़ाई, उधर सुगुड़ा कार्मिका नगर श्री राम नगर में जो मुबारक होटल कने वो आपस ही दोस्ता ही छे, कुछ ऐसा कोई मसला ही नहीं है। उसमें ही बोला बड़ा कर दिए एकदम। तो उसमें क्या बोलते सुना वहाँ से मारे करे, फिर पुलिस आ गई बोले, फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन को लाए। कौन सा पुलिस स्टेशन है? कौन सा है जी पुलिस स्टेशन? बोराबंडा पुलिस स्टेशन को लाए, फिर वहाँ से वो दो जनों को भी मारा लगे लड़ लिए बोल के। इससे पहले